दो महीने के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल सीजन का फाइनल मैच खेला जाएगा। इस मैच में हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस के सामने राजस्थान रॉयल्स होगी। गुजरात टाइटंस इस सीजन फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। वहीं क्वालिफायर टू में आरसीबी को हराकर राजस्थान ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। आईपीएल 2022 के फाइनल मुकाबले को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री भी पहुंच सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था में 6,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा 5,000 से अधिक कांस्टेबल की भी तैनाती की गई है और 1,000 होमगार्ड भी सुरक्षा में तैनात होंगे। आईपीएल का फिनाले काफी खास होने वाला है। फिनाले में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। वहीं रणवीर सिंह और एआर रहमान इसमें धुआंधार परफॉर्मेंस देकर समारोह में 4 चांद लगाने जा रहे हैं। आईपीएल 2022 के फाइनल मुकाबले को देखने के लिए बॉलीवुड सितारे भी पहुंच सकते हैं। हालांकि बॉलीवुड सितारे आईपीएल लीग मैच के दौरान स्टेडियम में भी नजर आए हैं और स्टैंड पर बैठकर मैच का जमकर आनंद भी उठाया है। आईपीएल 2022 के फाइनल मुकाबले के दौरान होने वाले समापन समारोह में झारखंड की भी झलक देखने को मिलेगी। समापन समारोह में झारखंड का लोक नृत्य छऊ का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए झारखंड से छऊ नृत्य दल को पहले ही बुला लिया गया है। गुजरात टाइटंस के गेंदबाज राशिद खान ने फाइनल से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मौजूदा सीजन में मैंने ऊपरी ऑर्डर पर बल्लेबाजी की है और टीम मैनेजमेंट ने मुझ पर भरोसा भी दिखाया है। नेट्स पर मैं ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूं। मुझे भरोसा है कि मैं लोअर ऑर्डर में टीम के लिए 20 से 25 रन बना सकता हूं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,00,000 से ज्यादा फैंस के पहुंचने की उम्मीद है। अहमदाबाद का स्टेडियम सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला मैदान है। इस मैच से पहले शुभमन गिल ने बताया, मैं काफी एक्साइटेड हूं। मैंने कभी भी 1,00,000 से अधिक लोगों की भीड़ के साथ नहीं खेला है। ये बहुत ही शानदार होगा, इसलिए उम्मीद है कि यह हमारे लिए शानदार मैच होगा। आईपीएल 2022 में खराब प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद सिराज को लेकर बेंगलुरु के क्रिकेट निदेशक माइक हसन ने कहा है कि उसने थोड़ा आत्मविश्वास खो दिया है, लेकिन वो खराब प्रदर्शन को पीछे छोड़ वापसी करेगा। आईपीएल 2022 में वो 15 मैचों में 9 विकेट हासिल कर सके। इस दौरान उनकी इकोनॉमी 10 से ज्यादा की रही। आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली के लिए यह आईपीएल सीजन काफी निराशाजनक रहा है। कोहली के इस खराब फॉर्म पर वीरेंद्र सहवाग ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस खिलाड़ी ने अपने पूरे करियर में इतनी गलतियां नहीं की होंगी जितने उन्होंने इस इकलौते सीजन में कर दी है। क्रिकेट धमाका प्रेजेंटेड बाय राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद।